हाय फ्रेंड्स, मैं आबिद अंसारी, आप देख रहे हो स्टार बॉडीवर्स। ये न्यू बैलेनो है, 2019 मॉडल है और इसका किलोमीटर देख सकते हैं, 18,305 किलोमीटर चली है गाड़ी। और इसकी स्टेयरिंग जो है ना, ये हार्ड है। हार्ड बोले तो पूरा हार्ड नहीं हो गया है, मोटर तो वर्क कर रहा है इसका। जब आप गाड़ी ड्राइव करोगे तो ये आपको फील होगा कि स्टेयरिंग पकड़ के है, और नॉइस भी आ रहा है इसमें से, स्टेयरिंग का आप देख सकते हैं नॉइस है। तो अभी इसको हम खोलेंगे, इसका कॉलम पे डॉट आ रहा है मुझे, इसका कॉलम या तो हार्ड हो गया है। स्टेयरिंग वर्क कर रहा है, ये गाड़ी हमारा चालू है, स्टेयरिंग मोटर जो है वो वर्क कर रहा है, क्योंकि स्टेयरिंग ऐसा घुमाने में कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं है। जब आप ड्राइव करोगे जब भी आपको थोड़ा फील होगा कि ये इसका स्टेयरिंग थोड़ा हार्ड है, क्योंकि आवाज़ भी आ रहा है और ये स्टेयरिंग लग रहा है ऐसा पकड़ के है। तो इसका कॉलम हम खोलेंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, कॉलम का लफड़े है क्या, स्टेयरिंग रैक का है। रैक का तो नहीं है क्योंकि मैं नीचे से खोला था इसका, जब भी मुझे रैक में डॉट नहीं आया, क्योंकि नीचे का कॉलम खोलने के बाद में भी ये टाइट ही था। तो अभी हम खोलते हैं इसको और देखते हैं क्या हो गया। अभी मैंने ये रॉड खोल दिया है, ये नीचे का रॉड जो रहता है कॉलम में लगा हुआ रहता है, ये मैंने खोल दिया कॉलम से, ये स्टेयरिंग रैक में रहता है। और खोलने के बाद में भी देख सकते हैं, ये अभी भी ये स्टेयरिंग अड़क रहा है, यानी पकड़ रहा है ये, और अभी भी इसमें से नॉइस आ रहा है। गाड़ी स्टार्ट है, इसमें नॉइस है कड़ कड़ करके हल्का, और टाइट है स्टेयरिंग। मोटर तो वर्किंग हो रहा है, गाड़ी बंद करने बाद तो पूरा ही जाम हो जाता है, ये देख सकते हैं अभी जाम हो गया, ये पूरा हार्ड हो गया। और गाड़ी चालू करने बाद में गाड़ी चालू हो गया, मोटर तो फ्री हो गया, लेकिन ये पकड़ रहा है, अभी भी पकड़ रहा है। तो भी मुझे पूरा कॉलम ही बाहर निकालना पड़ेगा और देखेंगे क्या है उसके अंदर, अगर रिपेयर होता रहेगा तो रिपेयर करेंगे, नहीं तो फिर न्यू डालेंगे। तो ये है इसका कॉलम, स्टेयरिंग कॉलम, मुझे ये पूरा बाहर निकालना पड़ेगा, इसकी वायरिंग वगैरह सब छोड़ना पड़ेगा। देख सकते हैं अभी भी पकड़ रहा है, लेते हैं फिर इसको बाहर खोल विल के। तो आप देख सकते हैं ये पूरा मैंने खोल दिया हूँ स्टेयरिंग वगैरह, अभी मुझे कॉलम बाहर लेना है, स्पाइरल केबल भी निकाल दिया हूँ, अभी ये खोलूँगा मैं। ये कॉलम मैंने पूरा छुट्टा कर दिया हूँ, और इसमें प्रॉब्लम ये आता है, ये देख सकते हैं ये गियर है, ये फाइबर का गरारी रहता, ये घस जाती है, देख सकते थोड़ा थोड़ा कटा हुआ है बीच बीच में, तो ये घसने की वजह से ये जाम होता, उसकी वजह से स्टेयरिंग थोड़ा हार्ड रहता है। तो आपको इसको या तो रिप्लेस करो, तो पर ये पार्ट तो छुट्टा मिलता नहीं है, आपको पूरा कॉलम ही रिप्लेस करना पड़ेगा। ये 40 से 45 हज़ार के आसपास पूरा कॉलम है, या तो इसको पॉलिश पेपर से आप या तो एक ऐसा पेपर लेने का आप, और इसके गरारी को घस के लेने का पूरा, ये गरारी है ऐसा स्मूथ होना मांगता घस घस के, जितनी भी गरारी है सबको मारना पड़ेगा आपको, अच्छा से मारना पड़ेगा, जब तक ये गरारी का जो घसा हुआ है वो स्मूथ नहीं हो जाएगा जब तक आपको घसना है, और घसने के बाद में फिर आपको लगाना है। ये गरारी चलता है ये मोटर में, ये देख सकते हैं मोटर है, तो ये मोटर में चलता है ये, तो ये इसमें अटकने घसने बाद में इसमें अटकने लगता है ये वाली गियर में, आपको इसको पूरा स्मूथ करना पड़ेगा घस के। अभी मैं इसको थोड़ा घसा हूँ, थोड़ा और घसूँगा इसको, तो अच्छा से पॉलिश मार के उसके बाद फिटिंग करूँगा। मैंने एक दो गाड़ी में ऐसे ही किया हूँ, प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया था, जो हार्डनेस का प्रॉब्लम था वो। तो अभी इसको भी मैं थोड़ा और पेपर मारूँगा और अच्छा से क्लीन करके इसको फिर से फिटिंग करके एक बार चेक करता हूँ। मेरे ख्याल से ये हो जाएगा, 90% तो ये सक्सेस हो जाता है। या तो आपको डाउट रहेगा अगर कि नहीं होगा ये, तो फिर आप 40 से 45 हज़ार का इसका पूरा कॉलम ही आता है,
तो आप रिप्लेस कर सकते हो, एक बार चांस लेकर देख सकते हो, ये क्लीन करके इसको अच्छा से पेपर वगैरह मार करके फिटिंग करके प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है। तो इसको हम क्लीन करते हैं वापस से, एक बार और थोड़ा पेपर मारते हैं और इसको फिटिंग करते हैं। ये अभी मैंने फिटिंग कर दिया इसका गियर, और इसको अच्छी तरह से ग्रीस लगा लें, उसके बाद फिटिंग करें। तो ये तो हो गया मेरा, अभी पूरा असेंबल करते हैं और एक बार गाड़ी में लगा कर चेक करेंगे। इसको ऊपर से ये फिटिंग होगा, तो इसकी वायरिंग वगैरह सब अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसको फिटिंग कर दें। ये हमारा स्टीयरिंग रैक असेंबल हो गया है, ये तो फ्री दिख रहा है। फिटिंग करते हैं और चेक कर लेते हैं एक बार वापस से। अभी मैंने कॉलम फिटिंग कर दिया है इसका, नीचे का रॉड नहीं लगाया हूँ, और टेम्पररी मैंने व्हील लगा दिया हूँ इसको। अभी मैं इसको घुमा के देखता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करूँगा और घुमा के देखूँगा इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। अभी गाड़ी को चालू करते हैं और स्टीयरिंग घुमा के देख लेते हैं। गाड़ी हो गया हमारा चालू और स्टीयरिंग भी स्मूथ हो गया है, कुछ प्रॉब्लम तो लग रहा नहीं, क्योंकि पहले ये स्टीयरिंग ऐसा पकड़ के रखने का और आवाज़ भी आने का, नॉइस भी कर रहा था, तो अभी कोई भी नॉइस भी नहीं है और स्टीयरिंग एकदम स्मूथ हो गया, पहले से तो एकदम बेहतर हो गया। अभी एक टोटल फिटिंग कर लेंगे फाइनल, और एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव भी ले लेंगे। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया इसका, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा उसको, पूरा खोल करके जो गरारी था वो फाइबर का, उसको हमने पॉलिश पेपर मारे अच्छा से, क्योंकि वो घस जाता है और घसने के बाद में वो गियर उसमें फंसना चालू हो जाता है। तो उसको अगर अच्छा से आप क्लीन करेंगे पेपर से, पॉलिश पेपर मार के, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि रैक तो बहुत महंगा है इसका, 40 से 45 हज़ार कौन डालेगा उसको, और गाड़ी भी ज़्यादा चली नहीं है, 18 हज़ार के आसपास गाड़ी का रनिंग हुआ, इतना जल्दी ये इसका स्टीयरिंग फेल हो गया था, तो हमने रिपेयर कर दिया। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया मेरा लग रहा है ऐसा। अभी फिर भी एक बार हम छोटा सा टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं इसको फिटिंग करके। तो फ्रेंड्स, अभी मैं टेस्ट ड्राइव के लिए आया हूँ, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है स्टीयरिंग में, एकदम ओके चल रही है स्टीयरिंग, स्टीयरिंग पूरा स्मूथ है। पहले जब ड्राइव करने टाइम में ये क्या हो रहा था, स्टीयरिंग ऐसा पकड़ के चलना पड़ता था, अपने को एक बार ऐसा खींच दिए तो इधर रह जाने का राइट को, कभी इधर गया तो इधर ही रह जाने की, तो अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, एकदम स्मूथ हो गया। अभी मैंने एयर बैग वगैरह का पैड नहीं लगाया हूँ, क्योंकि इसका स्टीयरिंग वगैरह टेढ़ा है क्या, उसके लिए मैंने अभी फिटिंग नहीं किया हूँ, पहले टेस्ट ड्राइव ले रहा था। तो फाइनल ये गाड़ी तो मेरा ओके हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ये स्टीयरिंग इसका व्हील थोड़ा टेढ़ा है, तो इसको मैं सीधा कर दूंगा खोल के, और फाइनल हमारा काम तो हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।